हाय नैंसी। हेलो। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया? अरे आज तो बहुत स्मार्ट लग रही है। थैंक यू नैंसी। ये ड्रेस मेरे अंकल ने प्रेजेंट दी है। सेम अंकल। हाय आंटी। हेलो हेजल, अच्छी तो हो? बहुत अच्छी हूँ। बैठो बैठो। आज वो आने वाला है क्या? क्या नाम है उसका? टोनी। हाँ हाँ टोनी आ रहा है ना आज। कह नहीं सकती, आ भी सकता है, मिलता तो रहता है ना। टोनी ने कोई बात चलाई? मेरा मतलब है तू चाहती है ना उसे? टोनी और हम अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा किसी ने कुछ सोचा नहीं अब तक। दोस्ती से आगे बात कब बढ़ेगी? कैसी है नैंसी? टोपेज है? ये तो अपने अपने पसंद है, मुझे नीलम के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मुझे तो टोपेज ही पसंद है, बड़े बड़े चमकते हुए जैसे मेरी अंगूठी है। मेरी शादी होने वाली है, कल ही तो दी है उसने मुझे। अरे हेजल मुबारक हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुबारक हो। लड़का कौन है? तू नहीं पहचानेगी, एक महीना हुआ मुझे एक पार्टी में मिला था। कहता है मेरे जैसी कोई लड़की ही नहीं देखी उसने, बहुत तेज है, फौरन शादी की बात छेड़ बैठा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तू राजी हो गई? राजी ना होती तो क्या करती? कहता था राजी ना होंगी तो एरोप्लेन से कूद कर जान दे देगा। बेचारा। टोनी से जान पहचान हुए कितने दिन हुए थे? यही कोई 3 महीने 19 दिन। अब बात आगे बढ़ानी चाहिए नैंसी, कितने दिनों तक ऐसे चलाती रहेगी? सब कोई टोपाज की अंगूठी जैसे तेज थोड़े ही है। अच्छा मैं चलती हूँ नैंसी, कहीं ज्यादा देर तक रुकने भी नहीं देता मुझे। चल मैं बस स्टॉप पर छोड़ दे। नैंसी मैं गाड़ी में आई हूँ, उसी की गाड़ी है। बाय आंटी। बाय। गाड़ी थी मेरे की अंगूठी, कार कहाँ मिल गया ये हेजल को, और पैसे वाला भी है, जरूर कोई बूढ़ा होगा। जवान भी हो सकता है, हेजल देखने में बहुत उसे अच्छी है। हाँ अच्छी है, और तू भी क्या कुछ कम है? और तू क्या समझ रही है, वो अपनी मम्मी की खुशखबरी सुनाने आई थी? वो आई थी तुझे जताने, देख कैसे चुटकी में लड़का मिलता है, क्या मैं नहीं समझती? अरे तो रात भर यही बजाता रहेगा। नैंसी को लड़का नहीं मिलता तो मुझ पर क्यों बरस रही हो? मुझे लड़का मिले या ना मिले उससे तुझे क्या लेना देना, जा तू अपना काम कर। कहां मुसीबत में फंस गए? टोनी की नौकरी पक्की हुई या नहीं कि वो अभी तक 300 रुपए में पड़ा है? मुझे नहीं मालूम। हेलो रोजी। बहुत दिनों बाद आई हो। लेकिन मैं अभी चली जाऊंगी। वो तो मालूम है, दोपहर का खाना खाकर चली जाना। वो तो ठीक है। अच्छा खाने तक ठहरती हूँ, खाने के बाद चली जाऊंगी। हाँ हाँ चली जाना आंटी। और बताओ कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। नैंसी के लिए कोई लड़का मिला? हाँ एक मिला है। अच्छा कैसा है लड़का? लड़का तो अच्छा है, मिलनसार, नेक, यहाँ आता भी है। कितने दिनों से पहचान है? 4 महीने होने को आए। ओह 4 महीना। हाँ? और अभी तक बात पक्की नहीं हुई? कहाँ हुई आंटी? रोजी 4 महीने हो गए, अभी तक लड़के की मंशा नहीं मालूम कर सकी कि शादी करेगा या नहीं करेगा। आंटी आजकल का जमाना कुछ और है, ये लोग कहते हैं 4 महीने कुछ भी नहीं है। ओहो मेरी समझ में कुछ नहीं आता, 4 महीने हो गए अभी तक लड़के ने शादी की बात भी नहीं छेड़ी, क्या जमाना आ गया है। हेलो फिलोमिना। हेलो आंटी कैसी हो? कब आई? मैं तो सवेरे से आई हूँ। अच्छा? बस जा ही रही थी, रोजी ने रोक लिया, अब कल सवेरे जरूर चली जाऊंगी, दोपहर के खाने के बाद। नहीं नहीं सुबह ही चली जाऊंगी। तुम्हें क्या जल्दी है फिलोमिना, भेजा 2-4 दिन। हाँ भाभी यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ बजाओ बेटा, फिलोमिना आंटी सुनेगी। येलो रिबन। हाँ टाया येलो रिबन राउंड द ओल्ड ओक ट्री, इट्स बीन थ्री लॉन्ग इयर्स टू यू। अरे बंद क्यों किया? साथ में गाओ तो सही, भागी कहाँ जा रही हो? ठीक ही तो गा रही हूँ। बजाओ सभी बेटा बजाओ, आपकी बात तेरी मामी ठीक से गाए। हाँ बजाओ।
tie a yellow ribbon round this oak tree. It's been three long years, do you? अरे फिर क्यों बंद किया? बजाना आता है कि नहीं? नहीं. देखो तो सही. नैन्सी आ गए. हेलो दादी. अब तक कहाँ थी? शनिवार है, सोचा एक पिक्चर देख रहा हूँ. तेरे साथ कौन था? टोनी. वही लड़का जिसके बारे में मैं कह रही थी. मैं अभी आई दादी. अरे एक मिनट बैठ तो सही. बैठ यहाँ. अब उधर क्या देख रही है? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है. मैंने सुना है तू टोनी के साथ 4 महीने से घूम फिर रही है. हाँ दादी, मैं टोनी को 3-1 महीने से पहचानती हूँ. ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या चलता रहेगा? आंटी पूछ रही है इतने दिन हुए शादी के बाद क्यों नहीं कर रहा. मुझे तो शादी के बाद करने की इजाजत ही नहीं है. तुम इन लोगों के मामले में क्या कहो? ओहो, टॉम, रोजी नैन्सी की माँ नहीं है क्या? ममा सिर्फ 3 ही तो महीने हुए हैं, अब तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं. क्या शादी के बारे में सोचा ही नहीं? तो 4 महीने से क्या कर रही थी? वो लड़का भी अजीब है, तेरा क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है? वो क्यों मेरा वक्त बर्बाद करने लगा? मुझे टोनी अच्छा लगता है, इसलिए हम मिलते रहते हैं. अरे कम से कम इतना तो पूछ लिया होता. क्या काम करता है, कितनी तनख्वाह है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी संभाल सकेगा या नहीं? सुनो दादी प्लीज, ये सब तो शादी के बाद पक्की होने पर ही जानने की जरूरत पड़ती है, पहले कौन पूछता है ये सब. इस मामले में हमारी नैन्सी बहुत ही कमजोर है, ये इसके बस की बात नहीं है. एक बार मैं फिर कह देती हूँ, बुरा नहीं मानना, मैंने दुनिया देखी है, वो लड़का कभी भी नैन्सी के साथ शादी नहीं करेगा, समझ गई? देखो जब तक लड़कों से सख्ती के साथ पेश नहीं आओगी, लड़के तो यूं ही भागते फिरेंगे. और फिर हमारी नैन्सी जैसी, भला बताओ तो, वो लड़का 4 महीने से यूं ही नैन्सी के साथ घूम फिर रहा. मेरी राय मानो तो उस लड़के को तो भूल ही जाओ. नैन्सी की शादी के लिए अपने पादरी से बात करो, या तो अखबार में इश्तिहार दे दो, या किसी शादी के दलाल से बात करो. शादी का दलाल, अखबार में इश्तिहार? दादी तुम तो. ओहो, तो फिर इसमें नुकसान क्या है? मेरी भी शादी एक दलाल के जरिए से हुई थी. चलो नैन्सी, देर से आई हो, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, और फिलोमिना आंटी को गुड बाय कर लो. ये कल सुबह शायद जल्दी चली जाए. गुड बाय दादी, फिर आना जल्दी. गुड नाइट. गुड नाइट फॉक्स. चलो मारिया, चलो.